हेलो एंड वेलकम, सार कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पर्सनल इज पॉलिटिकल इस स्लोगन को थोड़ी गहराई के साथ समझेंगे। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया है, लेकिन ये वीडियो उस वीडियो से अलग है। अलग इसलिए क्योंकि इस वीडियो में हम उन चार रीजंस के ऊपर फोकस करेंगे जो सूजन मॉलर ओकन ने अपनी किताब जस्टिस जेंडर एंड द फैमिली में दी है। सूजन मॉलर ओकन चार रीजंस देती हैं इस बात को एक्सप्लेन करते हुए कि क्यों पर्सनल को पॉलिटिकल समझा जाना चाहिए। पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट स्लोगन है और कई एग्जाम्स में इस स्लोगन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इस स्लोगन को ही दे दिया जाता है समझाने के लिए। तो अगर आप इन चार रीजंस को समझ लेते हैं तो आपके लिए इस क्वेश्चन को आंसर करना ईजी हो जाएगा। आपको बस सूजन मॉलर ओकन के चार रीजंस को एक्सप्लेन करना होगा, लेकिन इस चार रीजंस को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो आइए देखते हैं एक एक करके ये चार रीजंस कौन हैं। तो जो सबसे पहला रीजन देती हैं सूजन मॉलर ओकन, जो पहला रीजन है जो ये बताता है कि क्यों पर्सनल पॉलिटिकल होता है, व्हाई पर्सनल इज पॉलिटिकल, फर्स्ट रीजन सूजन मॉलर ओकन के द्वारा, पावर एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है पॉलिटिकल का। जहां पर पावर होगा वो पॉलिटिकल होगा। सूजन मॉलर ओकन कहती है कि पावर जो है वो फैमिली के भीतर एग्जिस्ट करता है, और क्योंकि पावर फैमिली के भीतर एग्जिस्ट करता है इसलिए फैमिली भी एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। ओके, पावर क्या है? पावर एक एबिलिटी है। अगर हम इसे एकदम सिंपल डेफिनेशन में देखें तो पावर एक एबिलिटी है, किसी के डिसीजन को, किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी है। पब्लिक स्फीयर में देखिए, गवर्नमेंट के पास ये एबिलिटी होती है अपने लॉज, अपने कानून की मदद से, अपने इंस्टीट्यूशंस की मदद से गवर्नमेंट जो है पब्लिक स्फीयर में आपके डिसीजन, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। फैमिली के भीतर भी पावर हमें देखने को मिलता है, फैमिली के भीतर भी पावर एग्जिस्टेंस में होता है, और पावर अपने वर्स्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है फैमिली के भीतर, सूजन मॉलर ओकन कहती है। और पावर का वर्स्ट फॉर्म क्या हो सकता है? वायलेंस, वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, ये पावर का वर्स्ट फॉर्म है। और अपने वर्स्ट फॉर्म में पावर जो है वो फैमिली के भीतर एग्जिस्ट करता है। सूजन मॉलर ओकन कहती है कि जो हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होता है, या पेरेंट का अपने बच्चों के साथ जो रिलेशन होता है, वो एक पावर रिलेशन होता है। सही बात है, पावर रिलेशन होता है। एक हस्बैंड जो है वो अपने वाइफ के बिहेवियर, उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। फिजिकल वायलेंस की भी यूज की जाती है, अभी तक की जाती है फिजिकल वायलेंस की यूज। लेकिन कुछ समय पहले तक ये जो पावर रिलेशन है हस्बैंड और वाइफ के बीच का, ये जो पावर रिलेशन है पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच का, ये जो पावर रिलेशन है, इसे नेचुरल समझा जाता था, नॉर्मल समझा जाता था। आज भी इसे नॉर्मल समझा जाता है। रूरल एरियाज में चले जाए, वाइफ बीटिंग जो है, वाइफ बीटिंग या चिल्ड्रन बीटिंग, ये नॉर्मल फिनोमेना है। अगर एक पति अपने पत्नी को मारता है, फिजिकल वायलेंस करता है, तो बहुत समाज में इसे नॉर्मल माना जाता है, इसे नॉर्मल माना जाता है, और पत्नी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ ये नॉर्मल है, वो मेरा हस्बैंड है, वो मुझे मार सकता है। ये होता है बहुत सारे सोसाइटी में, ये होता है। लेकिन सूजन मॉलर ओकन कहती है कि ये होना नहीं चाहिए। ये दर्शाता है फैमिली के पॉलिटिकल नेचर को, और इसलिए क्या जरूरत है कि फैमिली को पॉलिटिकल समझना जरूरी है। जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वुमेन के फैमिली के भीतर, अगर वो फिजिकल वायलेंस एक्सपीरियंस कर रही हैं, तो ये एक पॉलिटिकल इशू होना चाहिए। और इसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए, फैमिली के इसी पॉलिटिकल नेचर को रिकॉग्नाइज करते हुए, गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस करना शुरू किया है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इसका एक एग्जाम्पल है। ओके, जो फिजिकल वायलेंस फैमिली के भीतर हो रहा था, पावर का जो इस्तेमाल हो रहा था, उस चीज को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास किए हैं लगभग हर कंट्रीज में। ओके, तो ये पहला रीजन है कि पावर एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है पॉलिटिकल का, और फैमिली के भीतर जो रिलेशन होता है हस्बैंड या वाइफ, चिल्ड्रन या पेरेंट के बीच में, वो एक पावर रिलेशन होता है। इसलिए फैमिली को भी पर्सनल स्फीयर को पॉलिटिकल समझा जाना चाहिए। जो दूसरा रीजन है वो ये है कि इस बात को तो हम मानते हैं कि सोसाइटी जो है वो दो स्फीयर में डिवाइडेड होता है, पब्लिक स्फीयर, प्राइवेट स्फीयर। ओके, डोमेस्टिक स्फीयर कहें या तो पब्लिक स्फीयर कहें, लेकिन ये जो डिवाइडिंग लाइन है,
जो सोसाइटी को डिवाइड करती हैं दो स्फीयर्स में, पब्लिक और प्राइवेट के स्फीयर में, जो जो लाइन जो डिवाइड करती हैं सोसाइटी को, इस लाइन को ड्रॉ कौन करेगा, कहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की जाएंगी, ये एक डिसीजन है और ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। हम ये तय नहीं करते कि कहाँ से पब्लिक की शुरुआत होती है, ओके, कहाँ से पब्लिक स्फीयर एंड होता है, कहाँ प्राइवेट स्फीयर एंड करता है और पब्लिक स्फीयर की शुरुआत होती है। जो लाइन है, जो डिवाइडिंग लाइन है, इसका जो निर्णय है, कौन डिसाइड करेगा कि वेयर टू ड्रॉ द लाइन, कहाँ ड्रॉ किया जाए लाइन को, कहाँ पे तय किया जाए कि हाँ यहाँ पर प्राइवेट स्फीयर खत्म हो रहा है, यहाँ से पब्लिक स्फीयर की शुरुआत हो रही है, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। तो जो एग्जिस्टेंस है डोमेस्टिक स्फीयर का, वो खुद पॉलिटिकल डिसीजन पे निर्भर होता है। तो आप पर्सनल स्फीयर को नॉन पॉलिटिकल कैसे कह सकते हैं? डोमेस्टिक स्फीयर का जो एग्जिस्टेंस है, सरकार तय करेगी कि हाँ यहाँ से पब्लिक स्फीयर की शुरुआत होती है, जो डिवाइडिंग लाइन है वो तो सरकार ड्रॉ कर रही है। तो डोमेस्टिक स्फीयर का जो क्रिएशन है वो तो सरकार ही कर रही है, गवर्नमेंट ही कर रही है। तो डोमेस्टिक स्फीयर प्राइवेट स्फीयर नॉन पॉलिटिकल कैसे हुआ, ये कहती हैं सुज़ैन मॉलर ओकन। एग्जाम्पल देती हैं, वो कहती हैं कि मैरिज मैरिज एक पर्सनल एक्टिविटी है, पर्सनल स्फीयर में ये एक्टिविटी किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट मैरिज को रेगुलेट करती है, रेगुलेट करती है आप किसके साथ विवाह कर सकते हैं, ये कौन तय करेगा, ये गवर्नमेंट तय करती है। होमोसेक्सुअलिटी बहुत सारे कंट्री में ये बैन है, इंडिया में भी ये बैन है, होमोसेक्सुअलिटी, गे मैरिजेस, ये बैन है। क्यों? गवर्नमेंट ने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया। मैरिज तो एक मेरा ये पर्सनल स्फीयर है, मैं इसमें इंडिपेंडेंट हूँ क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये तो डिसाइड किया है ना कि एक एक गे मैरिज को यहाँ इंडिया में रिकॉग्निशन नहीं दी गई है। ओके, मैरिज को रेगुलेट करने के लिए एक्ट बनाए गए हैं, डाइवोर्स को रेगुलेट करने के लिए एक्ट बनाए गए हैं, ये सब किस बात की तरफ इंडिकेशन है? ये इंडिकेशन है कि फैमिली ऑलरेडी एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ऑलरेडी है। हम इसे अगर नॉन पॉलिटिकल समझ रहे हैं तो ये एक इल्यूजन है, सुज़ैन मॉलर ओकन कहती हैं। ओके, ये जो दूसरा रीजन है। तीसरा और चौथा रीजन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको बता दूं। फर्स्ट और सेकेंड रीजन तो ईजी थे, तीसरा और चौथा रीजन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फर्स्ट और सेकेंड रीजन जो है वो लिबरल फेमिनिस्ट तक वो सीमित है, दैट मीन्स कि लिबरल फेमिनिस्ट भी फर्स्ट और सेकेंड रीजन को मानती हैं। यहाँ तक सुज़ैन मॉलर ओकन एक लिबरल फेमिनिस्ट की तरह बिहेव कर रही हैं, लेकिन जब वो थर्ड और फोर्थ रीजन देती हैं तो वो थोड़ा रेडिकल होना शुरू करती हैं। यहाँ से उनका रेडिकल अप्रोच का जो है शुरुआत होता है थर्ड और फोर्थ रीजन में। तो देखते हैं थर्ड रीजन क्या है। सुज़ैन मॉलर ओकन कहती हैं डोमेस्टिक लाइफ जो है, जो प्राइवेट लाइफ है, यहीं पर सोशलाइजेशन की शुरुआत होती है, और ये जो सोशलाइजेशन है, इस सोशलाइजेशन का जो विक्टिम है वो वुमेन होती है, महिलाएं होती हैं। फैमिली जो है वो जेंडर सोशलाइजेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। जेंडर सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, देखिए समाज में दो तरह के ट्रेड्स होते हैं, फेमिनिन और मैस्कुलिन ट्रेड, ठीक है। फेमिनिन ट्रेड्स वो होते हैं जो कि हम शाइनेस, इमोशन, ओके, केयरिंग, इन सब से एसोसिएट करते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं कैरेक्टर में। मैस्कुलिन ट्रेड वो होते हैं स्ट्रेंथ, एग्रेसिवनेस, जो स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं। तो सोसाइटी में ये क्या किया जाता है कि आपके बायोलॉजिकल आइडेंटिटी के बेसिस पे आपके साथ एक ट्रेड को जोड़ दिया जाता है। अगर आप गर्ल हैं तो आपको फेमिनिन ट्रेड से जोड़ दिया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा क्या, फेमिनिन ट्रेड्स ही आपको सिखाया जाएगा। अगर आप एक बॉय हैं तो आपको मैस्कुलिन ट्रेड सिखाया जाएगा। अगर आप एक गर्ल है तो आपको कहा जाएगा कि यू शुड बी शाय, यू शुड बी इमोशनल, आप में शालीनता होनी चाहिए, ठीक है, आपको इमोशनल होना चाहिए, आपको केयरिंग होना चाहिए। ये चीज सोसाइटी सिखाती है एक लड़की को। लेकिन अगर आप एक एक लड़के हैं तो आपको सिखाया जाएगा कि यू शुड बी स्ट्रांग, डोंट क्राई लाइक अ गर्ल, ये कहा जाता है। क्राइंग जो है वो एक एक्टिविटी है, एक ट्रेट है, एक फेमिनिन ट्रेट है जो कि लड़कियों में होती है। आप एक मेल है, आप एक पुरुष, आप में मैस्कुलिन ट्रेट होना चाहिए, और मैस्कुलिन ट्रेट क्या है, स्ट्रेंथ। तो जेंडर सोशलाइजेशन का मतलब यही है कि फेमिनिन ट्रेट्स को गर्ल के साथ जोड़ देना, मैस्कुलिन ट्रेट को बॉय के साथ जोड़ देना, और इन ट्रेट्स को उनके नेचर का हिस्सा बना देना, यही जेंडर सोशलाइजेशन का काम है। ओके, लेकिन ये जो जेंडर सोशलाइजेशन है, गर्ल के साथ फेमिनिन ट्रेट्स को जोड़ना, बॉयज के साथ मैस्कुलिन ट्रेट को जोड़ना, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट करता है। और एक इंडिविजुअल
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को सबसे पहले अपने फैमिली में एक्सपीरियंस करता है, अपने फैमिली में एक्सपीरियंस करता है, और इसी एक्सपीरियंस को वो बाहर लेकर जाता है, पब्लिक स्फीयर में वो लेकर जाता है और फिर वो प्रैक्टिस करता है। अगर आप अपने घर में ये देखते हैं कि आपकी आपकी जो माँ है वो सबॉर्डिनेटेड हो रही है, वो एक सबॉर्डिनेट पोजिशन में है, तो ये एकदम एकदम ये आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप अपनी वाइफ को भी वैसे ही ट्रीट करेंगे। अगर आप अपने घर में जेंडर इक्वालिटी को एक्सपीरियंस करते हैं तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप अपने लाइफ में, अपने जनरेशन में भी जेंडर इक्वालिटी को प्रैक्टिस करेंगे। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो बेस है, जो नींव है, वो जेंडर सोशलाइजेशन से आता है और जेंडर सोशलाइजेशन फैमिली के भीतर होता है। ओके, और जेंडर सोशलाइजेशन का जो सबसे बड़ा विक्टिम है वो महिलाएं होती हैं, क्योंकि उन्हें वैसे ट्रेट्स दिए जाते हैं जो कि बाई नेचर वो वीक होते हैं। मैस्कुलिन ट्रेट्स बाई नेचर डोमिनेंट ट्रेट है, फेमिनिन ट्रेट बाई नेचर वीक ट्रेट्स होते हैं। तो जिनमें मैस्कुलिन ट्रेट होगा ऑब्वियसली वो समाज में डोमिनेंट पोजिशन में होंगे, और जिनमें फेमिनिन ट्रेट होगा वो ऑब्वियसली समाज में एक नेगलेक्टेड पोजिशन में होंगे, एक वीक पोजिशन को एक्वायर करेंगे। तो सुजन मॉलर ओकन कहती है कि ये जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है ये फैमिली के भीतर होता है। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रॉब्लम हम पब्लिक स्फीयर में देखते हैं, उसकी जो नींव है वो फैमिली स्फीयर में रखी जाती है। तो गवर्नमेंट को क्या करना है कि गवर्नमेंट को इस जेंडर सोशलाइजेशन के प्रोसेस में इंटरवीन करना है, उसे इंटरफेयर करना है, हस्तक्षेप करना है, ताकि ये जो डिसबैलेंस है इसे रेगुलेट किया जा सके और जो वुमेन को जो डिसएडवांटेज हो रहा है इसे कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा सके। तो ये तीसरा रीज़न है, ओके, कि डोमेस्टिक लाइफ में जेंडर सोशलाइजेशन की शुरुआत होती है, जेंडर सोशलाइजेशन ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का बेस है। ओके, तो पब्लिक स्फीयर में जो हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम को देखते हैं उसकी शुरुआत फैमिली में होती है, उसकी न्यू फैमिली में रखी जाती है। तो फैमिली में जो जेंडर सोशलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है उसे हमें रेगुलेट करना है, और इसके लिए गवर्नमेंट को वहाँ इंटरफेयर करना होगा, फैमिली को एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन समझना होगा। तो ये थर्ड रीज़न था। ओके, फोर्थ रीज़न पे आते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। सुजन मॉलर ओकन कहती है, पहले इस स्टेटमेंट को देखते हैं, द डिविजन ऑफ लेबर विद इन मोस्ट फैमिली रेजेस मेंटल एज वेल एज मटेरियल बैरियर अगेंस्ट वुमेन इन ऑल अदर स्फीयर। कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, इसे हम ब्रेक करके समझेंगे। देखिए, सुजन मॉलर ओकन कहती हैं कि जो महिलाएं हैं वो अपना सारा जो एनर्जी है वो डोमेस्टिक स्फीयर में लगाती हैं। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हाउस होल्ड वर्क को ही करें, ये उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो महिलाएं हैं, जो वुमेन है, वो घरेलू काम करने के लिए ही बनी है, हाउस होल्ड वर्क। तो वो अपना सारा एनर्जी डोमेस्टिक स्फीयर में लगाती है, चाइल्ड रियरिंग, टेकिंग केयर ऑफ फैमिली, इन सारे एक्टिविटीज़ में वो अपना सारा एनर्जी लगा देती हैं। और ये जो डिविजन ऑफ लेबर है, ये जो डिविजन ऑफ लेबर है कि महिलाओं को ही घर का काम करना पड़ता है, पुरुष नहीं करेंगे, पुरुष बाहर का काम करेंगे, ये जो डिविजन ऑफ लेबर है ये एक वुमेन के लिए मेंटल और मटेरियल बैरियर क्रिएट करता है, क्योंकि महिलाओं ने, वुमेन ने अपना सारा एनर्जी डोमेस्टिक स्फीयर में इन्वेस्ट कर दिया, सारा एनर्जी लगा दिया। तो अब ना तो वो साइकोलॉजिकली तैयार है, क्योंकि जो मेंटल क्वालिटीज जरूरत है पब्लिक स्फीयर में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो मेंटल क्वालिटीज भी उनमें नहीं है, ना तो वो साइकोलॉजिकली तैयार है। और मटेरियल बैरियर मतलब कि जो वुमेन घर में जो काम करती हैं, हाउस होल्ड वर्क जो करती हैं, उनके लिए उन्हें तो कोई पेमेंट दिया नहीं जाता, तो उनके पास तो कोई रिसोर्स होगा नहीं, इकोनॉमिक रिसोर्स तो उनके पास होगा नहीं। तो मेंटल बैरियर और ये मटेरियल बैरियर जो है वो महिलाओं को जो समाज के दूसरे स्फीयर हैं वहाँ पार्टिसिपेट करने से रोकती हैं। देखिए, मैं फिर से समझाता हूँ, क्योंकि महिलाएं, क्योंकि वुमेन अपना सारा एनर्जी डोमेस्टिक स्फीयर में इन्वेस्ट करती हैं, तो अपना एनर्जी इन्वेस्ट करने के बाद उनके पास ना तो वो मेंटल क्वालिटीज बिल्ड हो पाती हैं जिसके बेसिस पे वो पब्लिक स्फीयर में पार्टिसिपेट कर सके, और ना ही उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, क्योंकि डोमेस्टिक वर्क के लिए महिलाओं को पेमेंट नहीं दिया जाता, वो एक अनपेड वर्क है।
तो क्योंकि महिलाएं घर का ही काम करने में इतना व्यस्त रहती हैं, तो उनके पास ना तो मेंटल क्वालिटी डेवलप हो पाएगा, ना तो मटेरियल क्वालिटी डेवलप उनके पास, ना तो मटेरियल रिसोर्स होंगे जिसके बेसिस पे वो समाज के दूसरे स्फीयर में पार्टिसिपेट कर सके। और यही रीज़न है कि क्यों क्यों महिलाएं, वुमेन जो है वो अंडर रिप्रेजेंटेड है पॉलिटिक्स, बिजनेस, गवर्नमेंट, जुडिशरी में। क्यों उनकी भागीदारी इतनी सीमित है? क्योंकि वो अपना सारा एनर्जी जो है वो डोमेस्टिक स्फीयर में लगा दे रही हैं। क्योंकि समाज में जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो इस तरह से है कि एक तबके को हमेशा हमेशा के लिए एक स्फीयर में सीमित करके रख दिया जाता है। जो वुमेन है उनके लिए प्राइवेट स्फीयर को एलोकेट कर दिया जाता है, और वुमेन अपने प्राइवेट स्फीयर में जो वो काम करती हैं, उस काम को करने के बाद उनके पास ना तो कोई मेंटल क्वालिटी आ पाता है, ना तो उनके पास कोई इकोनॉमिक रिसोर्स आ पाता है जिसके बेसिस पे वो समाज के दूसरे स्फीयर में पार्टिसिपेट कर सके। कंपैरिजन कर सकते हैं एक मैन से। एक मैन जो है, क्योंकि वो डोमेस्टिक स्फीयर में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि वो हाउस होल्ड वर्क नहीं करता, तो वो अब उन मेंटल क्वालिटीज़ को डेवलप कर लेता है, क्यों जो उसे पब्लिक स्फीयर में ज़रूरत होगी, जो उसे पॉलिटिक्स, बिजनेस, गवर्नमेंट, जुडिशरी में पार्टिसिपेट करने में मदद करेंगी, उन मेंटल क्वालिटीज़ को वो डेवलप करेगा। और क्योंकि जो मेन होते हैं वो घर के बाहर काम करते हैं, तो उनका जो काम है वो पेड होता है, इसीलिए उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्स भी होंगी जिनके बेसिस पे वो पब्लिक स्फीयर में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वुमेन क्यों अंडर रिप्रेजेंटेड है पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, गवर्नमेंट में, जुडिशरी में? क्यों? क्योंकि क्योंकि जो उनका काम है, जो डिविजन ऑफ लेबर है समाज में, वो उनके लिए बैरियर क्रिएट करता है, उन्हें रोकता है पार्टिसिपेट करने से। तो जरूरत क्या है सुजन मॉलर ओकन की वजह कि ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है इसे इसे हमें हटाना होगा। ये जो नॉर्मल हम समझते हैं कि वमेन है तो उन्हें घर का ही काम करना है, मेन है तो उन्हें बाहर का ही काम करना है, इसे हमें डिस्टेबलाइज करना होगा। ओके, आप चाइल्ड को बर्थ कर देते हो, आप चाइल्ड को बर्थ देते हो, चाइल्ड बियरिंग इज नॉट इक्वल टू चाइल्ड रियरिंग। बच्चे को जन्म देना का ये मतलब नहीं है कि उस बच्चे का पालन पोषण भी आपको ही करना है। नहीं, ये कहीं पे भी तय नहीं है। आप लविंग है, आप केयरिंग है, आप नर्चरिंग है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको घर के ही सारे काम करने हैं। नहीं, पुरुष भी कर सकते हैं, वो भी लविंग हो सकते हैं, वो भी नर्चरिंग हो सकते हैं, वो भी केयरिंग हो सकते हैं। तो ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो डिविजन ऑफ लेबर है, इसे हमें ठीक करना होगा। और इसके लिए क्या ज़रूरत है? गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की ज़रूरत है पब्लिक प्राइवेट स्फीयर में। ओके, तो इस तरह से सुजन मॉलर ओकन ने चार रीजंस दिए पर्सनल इस पॉलिटिकल को एक्सप्लेन करते हुए। यदि आपको कभी एग्जाम में इसे एक्सप्लेन करना हो, लिखना हो, तो आप इन चार रीजंस को थोड़े थोड़े शब्दों में एक्सप्लेन कर दें, बहुत ही अच्छा आपका आंसर होगा। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।